कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। हो गया अब्बा? बेटे 65 साल की उम्र में तुम्हारी जितनी एनर्जी कहाँ से लाऊं? It's not fair अब्बा, अभी तो एक राउंड भी पूरा नहीं हुआ है। बस इतना काफी है। अच्छा काफी है, लेट्स सी, आपका कैस्टर ऑयल बढ़ रहा है, आपका बीपी शूट कर जाता है और शुगर। बस मेरी डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। अब मुझे एक बात बताएं, आपको इतना ये बूढ़ा होने का शौक क्यों है? इसलिए कि इस उम्र में मुझे बच्चा बनने का भी कोई शौक नहीं है। वैसे आपने ना ये बुढ़ापा खुद पर खुद तारीख किया हुआ। आपको कभी कभी ऐसा तो लगता होगा ना कि काश आपको कोई बेटा होता जो इस उम्र में आपका ख्याल रख सकता। नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बेटे खुदा जिस शख्स पे राजी होता है ना उसे बेटियों की रहमत से नवाजता है। कोई और ही अहमक होगा जो इस रहमत से मुंह मोड़ेगा। अब यहाँ खड़े खड़े बातें करने से बेहतर है कि हम घर चले और तुम चल के नवाल की मदद करो, हेल्प करो उसकी। अब्बा उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है। अभी देखना घर जाएंगे ना तो पूरा टेबल सजा होगा नाश्ते से। वैसे भी घर के काम तो वैसे चुटकी में कर लेती है, लेकिन अगर मूवी के लिए या शॉपिंग के लिए कहो तो मुंह बन जाता है उसका। वो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। क्या मतलब? अब्बा मैं आपकी प्यारी बेटी नहीं हूँ? अरे बेटा तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा अब यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि हम घर चलें, प्लीज। अच्छा जॉकर तुम, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। ओके कम ऑन। अरे तुम्हारी फुप्पो हमेशा ही से ऐसी हैं, और नाश्ता तो उन्होंने आज तक अपने लिए बनाया ही नहीं, सबका बचा कुचा खा लेती थी आराम से। और जहां तक कपड़ों का सवाल है, उसकी वजह तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फैसल साहब ने आमलेट बनाने का कहा था। आमलेट? और ये तुम फिर चप्पल पहन के बावर्ची खाने में आई ना, समझ नहीं आती तुमको? अल्लाह बख्शे मेरी सास मरहुमा, कोई चप्पल पहनकर बावर्ची खाने में कदम तो रखे। छड़ी मार मार के ना टखने सुजा देती थी। सास मरहुमा गई कहाँ है? लगता है अपनी रूह इनमें डाल के गई है। तुम तो नाश्ता करके आई होगी। जी करके आई हूँ। अब इनको रख दो। अधाई देखो जरा। और बात सुनो लड़की, आइंदा चप्पलें बावर्ची खाने के बाहर उतारना। खबरदार अगर चप्पल पहनकर बावर्ची खाने में कदम रखा तो। जाओ जाकर अपनी साफ सफाई करो। मुझे भी एक छड़ी रखनी पड़ेगी, अपनी सास की तरह लगता है। वाह लो बताओ भला, 4 अंडे। कितनी दफा हकीम साहब ने कहा है अंडों की तासीर गर्म होती है। गरमा गरम पराठे। ये क्या?
पराठे अब्बा के लिए। भाई हफ्ते में एक दिन खाने में कोई हर्ज नहीं है। आप दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझते? देखो लड़की, अभी तुम आधी डॉक्टर बनी हो, हम पर रोक जमान छोड़ दो। आज तो हम मजे से पराठे खाएंगे। देखा बच्चू, अब्बा के सामने तुम्हारी नहीं चलती। वाह, बहुत ही लजीज पराठे। वाह 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 वाह। अच्छा, MBBS के बाद तुम्हारा क्या इरादा? अब्बा, शादी। नवाल की, मुझे तो अभी स्पेशलाइजेशन करनी है, चाय स्पेशलिस्ट बनना। कुछ खाना पकाना भी सीख लो निकम्मी लड़की। मुझे सब आता है, ठीक है? जब ये चली जाएगी ना, जब उसकी शादी हो जाएगी, तो सिर्फ तब आपको मेरे हुनर का अंदाजा होगा। बस बातें बनवा लो, खाना नहीं बन सकता इससे। अब्बा, आपको ना मेरी कदर नहीं है। जब ये चली जाएगी ना, तो फिर देखना, हर मुश्किल वक्त में सिर्फ मैं आपके साथ खड़ी होगी। और मेरा शादी का अम्मी, ये बतूल कहाँ है? मैंने उसको कहा था कि आज नाश्ते में मुझे पराठा खिला दे। अरे भाई, कितनी दफा कहा है तुम्हें, घर की मुलाजमाओं को बावर्ची खाने में मत घुसाया करो। अरे ये घर की औरतों का शेवा होता है, बिला वजह बेबरकती होती है इनको घुसाने से। और वैसे भी उसका काम सफाई का है, उसे वो करने दो। भाई तो वालदा, हम भाई के लिए दुल्हन ले आते, सुगड़ सी, सारे काम भी सही हो जाएंगे और ये नामहरम वाला मसला भी नहीं होगा। ये तुमने अच्छी बात कही, लेकिन खानदान में नहीं करूंगी। इमरान के घर वालों ने कैसे नौकरानी बनाकर रखा मुझको। तुम्हारे बाप के मरने के बाद पलट कर पूछा तक नहीं, बेआसरा छोड़ दिया। क्या क्या जतन करके तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब जब मेरे बेटे किसी काबिल हो गए, सबकी निगाहें उन पर हैं। अरे गोली मारे खानदान की लड़कियों को अम्मी, बाहर देखते ना भाई के लिए, शहर में एक से एक अच्छी लड़की पड़ी। भाई मैं बता रहा हूँ, दो तीन फैमिली को तो मैं भी जानता हूँ। मोइज, फोकस, ब्रेकफास्ट। वैसे आपकी इजाजत है मैं नाश्ता कर लूँ, या नाश्ते से पहले ही देखने निकल जाऊँ कोई हसीन परी जैसी लड़की? चलें करें, मैं तो जा रहा हूँ। अरे मोइज, नाश्ता खत्म करो, चलो। खा लिया, ऑफिस जाके बाकी खाऊंगा, बाय। ये लड़का तो सुनता ही नहीं है। मोइज, मोइज नाश्ता खत्म करो। जाने देना अम्मी, क्या हो गया, बल्कि मेरा भी बस हो गया। तुमने भी हाथ रोक लिया? हाँ, दिल नहीं कर रहा, बस बहुत हो गया। मैं काम करूंगा, वापस आऊंगा तो आराम से अच्छा सा खाना खाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। चलो, अल्लाह के अमान में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कर रही हो बहू? अम्मी, वो मैं नाश्ता बना रही हूँ। और ये मिर्ची विर्ची काहे को काट रही हो? मेरा ऑमलेट खाने का दिल चाह रहा था। ऑमलेट हद होती है। ये देखो, ये टोस्ट, ये अंडा, अचार, फ्रिज में रात का सालन है, ये सब कौन खाएगा? हद होती है? इंसान को पेट भरने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत होती है क्या? नहीं ना। हमने तो सारी उम्र कभी इसकी इस तरह बेहुर्मती नहीं की, एक एक दाने की कदर की है, एक एक दाने की। शाबाश, गरम करके खा लो और किचन समेटो। और हाँ, अगर चाय बनाओ तो एक कप मुझे भी दे देना। देखिए ना, अब तो लब्बी तक नहीं आया। बेटे आने वाला होगा, पहले कभी लेट आया वो? क्यों इस तरह मुंह उठा के हर तीसरे अपने रिश्तेदारों से मिलने क्यों जाता है? क्या काम है उसका? खैर आप छोड़े, मुझे ड्राइविंग आती है ना, मैं ले जाती हूँ गाड़ी। सॉरी अब्बा, ट्रस्ट मी, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पे
जरा भरोसा नहीं है। फाइन, जब मैं जॉब करूंगी ना तो गाड़ी लूंगी सबसे पहले और खुद ही चलाऊंगी। देख लेंगे। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब तो गाड़ी निकालो फौरन। जी बाजी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो कोने वाले डॉक्टर साहब है ना, उनकी बड़ी बेटी आई हुई है आजकल। अरे सुमेरा ही है, मुझे तो पता ही नहीं चला। आपकी तो सहेली है ना वो। हाँ, हमने ग्रेजुएशन साथ में ही की थी। आप दोनों की मंगनी भी साथ साथ हुई थी ना। हाँ तकरीबन। बेटा हुआ है उनके घर में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक काम करना, जब वहां जाओगी ना तो मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मैं जब जाऊंगी खुद तो मैं भी दे दूंगी। बाजी, हम आपके मंगेतर कब आएंगे? तुम काम करो। आपको कुछ चाहिए अब्बा? नहीं बेटा, आप काम करो। मैं चाय बनाती हूँ। अब्दुल, अब्दुल गाड़ी रोक दो। चलो अब तुम ऐसा करो, पीछे आ जाओ, मैं ड्राइव करती हूँ। बाजी आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हैं? अगर साहब को पता चल गया तो? इस वक्त तुम्हारी साहब मैं हूँ। मैं सब साहब को बता दूंगा। साथ ही अपना सामान भी बांध देना। फिर बाबा को सब बता दूंगी। तुम ये ऐसे गंदे गंदे गाने लगाते हो, पेट्रोल भी कम डलवाते हो, मुझे रास्ते में छोड़ देते हो। अगर मेरी नौकरी को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी बाजी। अगर तुम इसी तरह तावन करते रहे ना तो तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। चलो पीछे आओ। हकीम साहब, लड़के वैसे तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, लेकिन आजकल कुछ अच्छे से खाना नहीं खा रहे वो। अच्छा, मैंने ये आमना बीबी मैंने खमीरा बनाया है, दोनों को एक एक डिबिया खिला दीजिए, इंशाल्लाह खुल के भूख लगेगी। वैसे जवान जहां हैं बाहर दोस्तों में खा पी लेते होंगे। नहीं हकीम साहब, मेरे बच्चे मेरे साथ ही खाना खाते हैं, उन्हें पता है, वरना माँ भूखी बैठी रहेगी। बहुत सादतमंद औलाद है आपकी आमना भी, बस अब इनकी शादियों की फिक्र कर रहे हैं आप। जी हकीम साहब, सोचती तो मैं भी हूँ लेकिन डर लगता है, पता नहीं आने वाली कैसी हो, किस मिजाज की हो, कहीं मेरे बेटों को मुझसे दूर ना कर दे। आपका डर बिल्कुल जायज है आमना भी, के जमाने का खासा ही कुछ और है। लिहाज मुरव्वत नाम की कोई चीज ही नहीं, एक हमारा खासा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब आप 17 साल की थी और इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। जी, और 22 साल की थी जब फैसल के अब्बू की हैयत लॉन में रखी हुई थी। बहुत मुश्किल वक्त था आपके, बहुत मुश्किल। आपके ससुर के पास मेरा रोजाना खाना जाने, दिल बहुत कुड़ता था अम्मा बीबी, आपके साथ बहुत ही ज्यादतियां देखी। छोड़े हकीम साहब, सच पूछे तो मुझे अब वो वक्त भी याद नहीं। मेरे बच्चे जवान हैं, किसी काबिल हैं, मैं खुश हूं, मैं तो उन्हें देख देख के ही जीती हूँ। अल्लाह उनको सेहत जिंदगी और ईमान की पुख्तगी अता करे आमना बीबी। आमीन सुम्मा। और लो ना फैसल बेटा।
थैंक यू सो मच, मैं काफी खा चुका हूँ और ये तो मैंने बहुत ज्यादा खाया। मैं कबाब लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारे कुक के हाथ में तो जायका है, तो तुम लोग भी रख लो। अरे क्या बात कर रही हो, बड़ी मुश्किल से एक मुलाजमा रखवाई है और किचन में मुलाजिम, इम्पॉसिबल। तो मेरा गुजारा कैसे होगा? आप वहां आइए तो सही, मुलाजमों की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके लिए। अच्छा, मामी रखने देंगी? बहुत प्यार करती हैं मुझसे, मना लेंगे उनको भी। वैसे एक बात बताओ, ये मामी इतनी कंजूस क्यों है? अरे तुम्हारी फुप्पो हमेशा ही से ऐसी हैं, और नाश्ता तो उन्होंने आज तक अपने लिए बनाया ही नहीं, सबका बचा कुचा खा लेती थी आराम से। और जहां तक कपड़ों का सवाल है, उसकी वजह है। अम्मी को ये सब करने पर मजबूर किया गया था। मजबूर कौन कर सकता है, सब बेकार की बातें। फुप्पो मैं इतना छोटा बच्चा नहीं था, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला। अम्मी की कॉल आ रही है, मैं लेट हो गया, मुझे घर जाना होगा। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। मामा क्या जरूरत थी उससे ये बातें करने की? क्या कह दिया मैंने? आप भी ना। फैसल, फैसल, फैसल प्लीज रुको, मुझसे नाराज होकर जाओगे? तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूँ पप्पो इसी तरह की बातें करती, इसीलिए मैं यहाँ आना अवॉइड करती। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अब तक भूला नहीं किस तरह इन्होंने मेरी माँ को टॉर्चर किया था। प्लीज फैसल, हमें माजी से क्या लेना देना, ये हमारा रिलेशनशिप है और इसे हम दूसरों के लिए खराब नहीं कर सकते। फिर वो तुम्हारी मदर हो या मेरी, मुझसे इस तरह से नाराज होकर जाओगे तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तुमसे नाराज तो नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से होता। I know. कल मिलोगे लंच पर? कल लंच कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। ओके। अच्छा अब मैं चलूं? ओके। खुदा हाफिज़। मैं खुद चाहता हूं कि नवाल कल की बजाय आज मेरे घर आ जाए, लेकिन फराज मजीद साल दो साल रुकना चाहता है। मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हूं यहां पे। फराज, जिस तरह से तुम इनकार कर रहे हो ना, मुझे तो लगता है कि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहते। चार सालों में चार दफा फोन या कॉल तक नहीं किया आपने, इस लातालुकी को मैं क्या समझूं? आपको लगता है कि आपके अम्मी के दिए हुए गिफ्ट्स मुझे मुतमईन करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे रिश्ते पर अब सवाल उठने लगे हैं जिनके जवाब सिर्फ आपके पास है फराज। छुपा लो। वैसे मुझे पता है तुम रात को उनकी तस्वीर देखे बगैर नहीं सोती। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर ये बताओ कि ख्वाबों में आते हैं? निम्रा, बिल्कुल नहीं। एक बात तो बताओ, उन्होंने तुम्हें कभी कॉल नहीं की? नहीं, अगर की होती तो तुम्हें पता होता। अजीब बात है यार, उनकी अम्मी तो तुम पे बड़ा सदके बारी जाती हैं। पता नहीं उनका बेटा किस पर चला गया, अगर मेरा मंगेतर होता ना तो उसे दिन में तारे दिखा देती। तुम्हारे मंगेतर का तो अल्लाह ही हाफिज है, मैं ना उसे अपने तरीके से डील कर लूंगी। वैसे तुम्हें फराज भाई का ये रवैया बुरा तो लगता होगा?
हाँ बुरा तो लगता है लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं। कम ऑन नवाल, अपने गुस्से का इजहार तो किया करो। किससे? अपनी सास से, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके बेटे की मंगनी किसी इंसान से हुई है, किसी रोबोट से नहीं। तुम शादी से पहले ना हम दोनों की लड़ाई करवा दो। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? फराज भाई अमेरिका में रह रहे हैं, किसी गांव में नहीं। वैसे भी इस तरह तो कोई गांव का लड़का भी नहीं शर्माता। अच्छा, तुम तो जैसे बहुत जानती हो गांव के लड़कों को। मुझे सबके बारे में पता। अच्छा सुनो, कल अब्बा ने ना तुम्हारे फादर इन लॉ को बुलाया, लगता है तुम्हें घर पते करने की प्लानिंग हो रही है। बेटियां बोझ नहीं होती सुहेल, दिल के टुकड़े होती हैं। लेकिन क्या करें, उन्हें हमेशा अपने साथ रख भी नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं आप, मैंने भी दो बेटियों की शादी की है, समझता हूं इस बात को। सुहेल, लोग अब इस रिश्ते पर उंगलियां उठाने लगे हैं। तुम मेरे कजिन हो, इसलिए मैं तुमसे खुलकर बात कर रहा हूं। मुझे बताओ कि फराज का पाकिस्तान आने का इरादा कब तक है? मैं खुद चाहता हूं कि नवाल कल की बजाय आज मेरे घर आ जाए, लेकिन फराज मजीद साल दो साल रुकना चाहता है। ठीक है, एक बार पाकिस्तान आकर निकाह करके चला जाए, इस दौरान नवाल के कागजात भी बनते रहेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं फराज से। देखो सुहेल, बिन मां की बच्चियां हैं और मैं भी एक बार हार्ट अटैक के मरहले से गुजर चुका हूं। अब पता नहीं जिंदगी के और कितने दिन बचे हैं। निमरा के तो खैर अपने प्लान हैं, वो अपने करियर के हवाले से ज्यादा सीरियस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नवाल जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आज ही बात करता हूं फराज से, बल्कि जोर देता हूं इस बात पे कि वो अर्जेंट पाकिस्तान पहुंचे। शुक्रिया सुहेल। आप भी हद करते हैं, वो लोग आप पर प्रेशर डालते हैं और आप मुझे फोन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें, बेटी वाले हैं वो। जब मंगनी हुई थी तो डिसाइड हुआ था कि एक साल के अंदर शादी हो जाएगी, तुमने वीजा लगवा लिया, अब चार साल गुजर गए हैं, कब तक बिठा के रखेंगे बेटी को? तो ठीक है, कर दें कहीं बेटा, और वैसे भी यहाँ कौन मारा जा रहा है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब सीधी सी बात है, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हूँ यहाँ पे। फराज, जिस तरह से तुम इनकार कर रहे हो ना, मुझे तो लगता है कि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहते। अगर ये सच हो तो फिर आकर मरे हुए माँ बाप का मुंह देख लेना, हम सोचेंगे हमारा कोई बेटा ही नहीं था। क्या कह रहे हैं फराज? क्या कहेगा देखना खदीजा, ये नाफरमान हमारी रिश्तेदारी और दोस्ती दोनों तोड़वाएगा। खैर की दुआ करें सुहेल, आप फिक्र ना करें, मैं खुद बात करूंगी फराज से, वो वापस आएगा और जरूर आएगा। आंटी, आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर चक्कर क्यों आ रहे हैं? अक्सर नींद की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। ये तो सारी रात नहीं सोई। क्यों, आपको कोई टेंशन है? अरे बेटा कोई टेंशन वेंशन नहीं है, बस वो रात को मैंने स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली थी, इसलिए सारी रात नींद नहीं आई। अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आंटी बिल्कुल ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये तो बस यूं ही परेशान हो जाती है। अरे बेटा शायद इस उम्र में रफाकत की ज्यादा जरूरत होती है, मैं डर गया था कहीं बीच में अकेला ना छोड़ जाए। अरे फिक्र मत करें, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। ओफो, कि आप दोनों कैसी बातें करने लग गए हैं। आंटी आप जल्दी से उठें, चेंज करें, अंकल आपको डिनर पर लेके जाएंगे आज रात को, इस तरह आप दोनों का मूड अच्छा हो जाएगा। अरे बेटा
ऐसा तो शादी के इब्तदाई दिनों में नहीं हुआ, अब क्या खाक होगा। अंकल आंटी के सारे शक पे दूर कर दीजिए ना। जो हुक्म मेरी बेटी का। अच्छा वो अब्बा आपको याद कर रहे थे? हाँ शाम को चक्कर लगाऊंगा। चले जरूर आंटी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चासिफ नहीं है? बेटा यहीं कहीं होगा, उसने कहा जाना है। क्यों यूनिवर्सिटी नहीं गया? चल अब मैं जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज बेटा। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची। हाँ अच्छी नेक बच्ची है। हेलो डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? आंटी का बीपी चेक करने आई थी, तुम कैसे हो? As usual, smart. क्यों नहीं लग रहा? तुम सारी जिंदगी अपनी इन्हीं खूबियों पर इतराते रहना। तो क्यों नहीं, आखिर तुम लड़कियां पर्सनालिटी पर ही तो मरती हो। वो और लड़कियां होंगी, मेरे नजदीकी सब कुछ बेमायनी बात है। इंसान का अखलाक और किरदार इन सब बातों से ऊपर की चीज है। तो तुमने मुझ पे तंज किया? नहीं नहीं, मैं दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। एनीवे तुम ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है? यूनिवर्सिटी वालों को पता होगा। डोंट टेल मी तुमने अपना एमबीए बीच में ही छोड़ दिया। गॉड अब मैं समझी समीना आंटी की तबीयत क्यों खराब है ना। हालांकि नहीं होनी चाहिए, मैंने उनको कितनी दफा समझाया कि मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, मैंने कौन सा जॉब करनी है, डैड का इतना बड़ा बिजनेस जो है वही संभालूंगा। तो क्या सारी जिंदगी बाप के पैसे पे ऐश करने का इरादा है क्या? क्यों नहीं भाई, उन्होंने कौन सा सब कुछ कब्र में लेके जाना। ओ प्लीज अब ऐसी शक्ल तो मत बनाओ। बेबी किससे बहस करने लगी? बाय। हाँ भाई कंप्लीट है क्या ये? कैसी? इट्स गुड कूल। बस भाई फाइनल टचेस रहते हैं। अच्छा यार सुनो, तुम कब तक अपना वक्त यूं जाया करोगे, अपनी जॉब की तरफ तवज्जो दो यार। भाई जॉब तो चलती रहती, मैं ये सोचता हूँ कि अपने शौक पे तवज्जो देनी चाहिए। शौक से याद आया, आप अपने शौक पे कैसी तवज्जो दे रहे हैं? शौक नहीं है मेरा, दिल लगा हुआ है मेरा वहां पर। दिल का मामला भाई, जरा दिल तो सोच समझ के लगाते, वालदा के बारे में ही सोच लेते। तुम जानते हो मम्मी हमसे बहुत प्यार करती, हमारी हर बात मानती हैं, और आई एम श्योर हम इस बात में भी उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। भाई हम भी तो मम्मी से प्यार करते हैं, हमें उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। जिस खानदान में आप रिश्ता करने का सोच रहे हैं, उस खानदान ने हमारी मम्मी को हमेशा हकीर समझा है। अगर वो चाहते ना आज ये छत भी हमारे सर के ऊपर ना होती फिर। यू आर राइट, इस सब में सोनिया का क्या कसूर है यार? देखें भाई रिश्ता होगा तो रिश्तेदारी बढ़ेगी, और मुझे नहीं लगता हमारी वालदा ये सह पाएंगी। यार अब मुझे खुद बताओ, सोनिया मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, हमारा रिश्ता सोनिया के साथ होगा, उसके घर वालों के साथ तो नहीं। चलें भाई आप बड़े हैं, आप बेहतर जानते हैं, मेरी तो वैसे ही कम अकल है, लेकिन जितना मैं अपनी वालदा को जानता हूँ मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। फिर भी मैं चाहूंगा आप उनको मना लें, क्योंकि मैं आपकी खुशी भी तो चाहता हूँ। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर अम्मी को मना लेंगे। फंसवा दिया मुझे। चलो गेट डन विद योर वर्क, ये जो भी तुमने इसको फाइनल टचेस देने, उसके बाद घर का थोड़ा सा काम है वो मेरे साथ मिलकर कर रहा हूँ। ठीक है भाई। ठीक है तो ओके सी यू। यार कबीर ये मेरा काम लाजमी करवाना, तुम्हारा तो भांजा है स्टेट्स में, वो फराज के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकता है। यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वो तो दो हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही वो वापस जाता है सबसे पहले यही काम करेगा, आखिर नवाल भी तो मेरी बेटी है ना। पहले मुझे इतनी फिक्र नहीं थी, अब पता नहीं क्यों वहम होने लगा है मुझे कि ये लड़का पाकिस्तान आने से कतराता क्यों है। अरे होता है, बाज लड़के अपने कैरियर के लिए कॉन्शियस होते हैं,
अरे मुझे तो फख्र होता है उन माँ बाप कर जिनकी औलाद इतनी जिम्मेदार होती है। मेरी तरफ देखो, एक अंडा वो भी गंदा। क्यों, क्या कर दिया जाजिब ने? MBA छोड़ दिया बीच में, ना ढंग से ऑफिस आता, बस बाप मजदूर की तरह पैसे कमाया जा रहा है और वो अय्याशी कर रहा। मैंने कई बार तुम्हें समझाया कितने लाड मत उठाया करो लड़के के, कभी कभी औलाद पे सख्ती भी करनी चाहिए। बस यार लाड प्यार में हाथ से निकल गया है। तुम्हारी बेटियों को देखकर मुझे इतनी खुशी होती है। देखो ना, जाजिब और निमरा तकरीबन हम उम्र है, निमरा माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है और एक वो नाहंजार है। तुम उसे मेरे पास भेजो, मैं समझाऊंगा उसे। अरे फुरकान, अब वो वक्त चला गया जब कान से पकड़कर तुम्हारे पास लाया करता था, अब तो वो इतना मुंह जोर हो गया है कि बात करते हुए झिझक महसूस होती है। बस आजकल की जनरेशन कुछ इस तरह की हुई है। हद कर देते हो तुम, रोज गाड़ी मारकर आ जाते हो। क्या ड्राइविंग लाइसेंस रुशद देकर बनाया था? कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हो साहब? वो तो मैं क्या, मैं तो तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? अगर कोई ज्यादा नुकसान हो जाता तो मैंने तुम पर एतमाद करके बहुत बड़ी गलती की। साहब ये मेरी गलती नहीं है, ये तो अब्बा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें इसकी तो कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती तो वो पीछे वाले की थी ना, बहुत जल्दी में था वो। तुम दरमियान में मत आओ। दरमियान से निकल नहीं सकती, आई मीन के वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती सारी पीछे वाले की थी, वो बहुत जल्दी में था वो। ऊपर से आपको पता है वो बड़े लोग सियाने लोग क्या कहते हैं कि गाड़ी ये सोच के चलाओ कि जो आपके आगे वो अंधे और जो पीछे है वो भी, है ना? ये किस सियाने ने कहा है? मैंने। इसकी तो आंखें थी ना, इसलिए तो बच गए, वरना कहां बचना था। बट इट्स ओके, कूल डाउन, रिलैक्स, इट्स ओके। सुनो मियां, आइंदा अगर ऐसी गलती की तो अपनी छुट्टी समझना यहां से। इट्स ओके अब्दुल, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके तुम ना बाज आ जाओ, किसी दिन अब्बा ने पकड़ लिया ना तो बहुत बुरी तरह पिटाई होगी तुम्हारी। यार तब तक मैं ड्राइविंग सीख लूंगी। अच्छा, और उस बेचारे ड्राइवर का क्या कसूर है? उसे ना अब्बा से गालियां खाने के लिए अलग से पैसे देती हूँ। अच्छा, पता है हैरत होती है कि तुम मेडिसिन कैसे पढ़ रही हो, मतलब मैंने तो सुना है कि डॉक्टर्स बहुत सीरियस और बुटबार होते हैं। अब ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है? डॉक्टर्स मेरी तरह बहादुर और जिंदादर भी होते हैं। ये क्या, तुम सेब खा रही हो? खाना भी दो मिनट में बन जाएगा और तुमने सेब से अपना पेट भर लेना है। अच्छा तुम्हें पता है, रोज का एक सेब खाने से ना डॉक्टर आपसे दूर रहता है। फिर तुम मेरी एक बात सुनो, अपने शौहर को कभी सेब नहीं खाने देना। क्यों? देखो तुम डॉक्टर हो ना तो जाहिर सी बात है तुम्हारी शादी किसी डॉक्टर से ही होनी है, और अगर उसने सेब खा लिया तो नवाल। मैं सच कह रही हूँ, सुनने में आया है कि उनकी अम्मी ने उनको इतनी तगड़ी धमकी दी कि वो पहली अवेलेबल फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान पहुंच गए और परसों अब्बा ने उनको डिनर पे बुलाया है। रात हो गई, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गया। अल्लाह खैर करे। अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? जब बेटा आधी रात को घर आए तो माँ कैसे सो सकती है? बस एक फोन करके कह दिया कि रात देर से आऊंगा, जैसे तुम्हारी एक कॉल से माँ को तसल्ली हो जाएगी। सॉरी अम्मी। अम्मी अब मैं मैट्रिक का बच्चा तो नहीं रहा ना कि आप मेरी इतनी फिक्र कर रही है, सो जाया करें। अब कह दो कि खाना खाकर आए हो। नहीं खाया। मुझे पता था,
चलो खाना खिलाऊं तुम्हें, पहले खमीरा खिलाऊंगी। खमीरा नहीं खाने वाला मैं, आप कुछ भी खिला दे खमीरा नहीं खाऊंगा बस। क्यों? हकीम साहब ने कहा है कि सारे मौसमी बीमारियों से बच के रहोगे, बहुत अच्छा होता है ये। चलो चलो भूख भी खुलकर लगेगी, मैं खिलाती हूँ, उठो शाबाश। उफ़ नवाल, कितनी लंबी नमाज पढ़ती हो, बस कर दो, सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। निम्रा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, सुकून से नमाज तो पढ़ने दो। नेक रू, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके दिल से की हुई हर एक दुआ कबूल हो चुकी है क्योंकि फराज भाई आ गए हैं। मैं सच कह रही हूँ, सुनने में आया है कि उनकी अम्मी ने उनको इतनी तगड़ी धमकी दी कि वो पहली अवेलेबल फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान पहुंच गए और परसों अब्बा ने उनको डिनर पे बुलाया है। अच्छा, तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, अब इतना बनने की कोई जरूरत नहीं है, शक्ल देखे ना साफ पता चल रहा है दिन में शबे बारात के पटाखे फूट रहे हैं तुम्हारे। अब ऐसा करो कि ये जायनमाज वापस बिछाओ और दो नफल शुक्राने की भी अदा कर दो। निम्रा, निम्रा को बहुत काम है और सिर्फ कल का दिन है, मेन्यू डिसाइड करना है, तुम्हारे लिए बाजार से जाके अच्छा सा सूट लेना है, फराज भाई के लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेना है, मैं तो जा रही हूँ। अंकल अगर आप माइंड ना करें तो मैं नवाल से कुछ बात कर सकता हूँ। सारे ही बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं, अब उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो हम क्या करें? बस बेटे के करतूतों पर पर्दा डालती रहा करो। वो लड़की 4 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है, 4 साल से, अब ये तुम पर है, चाहे हमारा लाज रख लो या फिर ये सब रिश्ते हमसे छीन लो। शिकवा